करके दिखा दे। जैसे कि आप सोच रहे होगे इतनी रात में कितने बजे 11:30 हो गए और मैं और साहिल यहाँ मुंबई रेस्टोरेंट में क्या कर रहे संजान में आपको बताएं। काफी लोग आए मुंबई रेस्टोरेंट में, आपने देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे टेबल देख के। तो वही गाइस आपको आगे पता चलेगा जिस वजह से हम लोग इतनी रात में संजान आए और यहाँ पे सीधा स्टेशन से उतरे और वहीं पर खाना खाने आए और ऑर्डर में आया था हम लोग को डोली का। जैसे कि आपको पता है लोग डोली हो जाते हैं ऑर्डर में आते हैं, तो मैं और साहिल तो यहाँ पे थे। साहिल का अपना मेन है क्योंकि आपको पता है पूरा करता है और मैं था, हम लोग दोनों यहाँ पे अपने बंदे लोग है। वो लोग ने ऑर्डर ऑर्डर मारा है, मार रहे भी चालू है। वही गाइस हम लोग किस वजह से है वो भी आपको बता चल जाएगा। सब बने बुला तारे हरम। जब हुजूम लगा हुआ है बराए करम वो लोग साइड दे दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पांच नारा पंचतन का एक नारा हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना सलमान अज़हरी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पांच नारा पंचतन का एक नारा हैदरी। हसन और हुसैन करबला। आप क्या इसको हल्के में जानते हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर मैंने खुद अपने तजुर्बे की बात आपके सामने शेयर करनी है। आज हजारों इख्तलाफात हमारे अंदर क्यों ना हो, हमारी जमातों में इंतशार है, फिरकों में बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है जब हुजूर के नाम पर हम बात करते हैं तो सारे इख्तलाफात लोग पीठ पीछे डालते हैं और उसके बाद कहते हैं अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का डीएनए है। अज़ीज़ान-ए-गिरामी वक़्त, आपको मैं अभी जिस आयत करीमा की तिलावत किया उसकी तरफ आता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है वो रब है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है, हक के साथ भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है, सच्चे दीन के साथ भेजा है, लेकिन साथ में रब ताला फरमाता है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वो रसूल क्यों आए? ताकि पूरी दुनिया पर अपना दीन गालिब करे।
लेकिन इन हालात में हम बात कर रहे हैं जब रोजाना रोने की खबर ही हमें सुनाई दे रही है। सुनने वाला अगर ये समझता हो कि मौलवी स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी फांकता है, बहुत लंबी लंबी बातें करता है कि इनका दीन पूरी दुनिया पर गालिब करने के लिए आया है, लेकिन हालात इनके ऐसे हैं कि हर जगह इनको पेट्रोल मिसाइल से उड़ाकर चीतों में बदल दिया जाता है। दुनिया ये सोच रही होगी इस जमाने में ये बात कर रहे हैं जब इनके खाने पीने के मसले हो गए, इनको हर जगह से निकाल दिया गया है, उस जमाने में भी ये कहते हैं कि इनका दीन गालिब होगा। मैं उनको फारो मुशरिकीन से कहता हूँ कान खोल करके सुन लो, हमारे चीतले उड़ जाए तब भी हम कहेंगे एक दिन आने वाला है जिसके मुताबिक मेरे आका ने फरमाया हर घर से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आए। अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगा वो दिन चाहे जमीन टल जाए आसमान नीचे आ जाए, मेरा यकीन है मेरे नबी का फरमान बदल नहीं सकता, मेरे आका का फरमान झूठा नहीं हो सकता। उस मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा। अब जो हालात है ये क्या है मेरे अजीज, वो हालात को देख करके कभी फैसला मत कर लेना, हालात को देख करके फैसला मत कर लेना। खुदाई कानून है, कुदरत का कानून है, वो फकीरों को बादशाह बनाता है और बादशाहों को फकीर बनाता है, उसका कानून है। कभी बहुत बुलंदी पर बैठे हुए फिरौन को पानी में खर्क करके बताता है, नमरूद को मच्छर से हिला करके भी बताता है, और साथ में यूनुस अलैहि सलाम को मछली के पेट में बचा करके भी बताता है। वो रब्बे कायनात है जो पानी में फिरौन को डुबा देता है, लेकिन आग में इब्राहिम अलैहि सलाम को जिंदा रखता है, जिंदा सलामत रखता है। वो रब्बे कदीर कल भी हयो कयूम था, आज भी हयो कयूम है, हमेशा से जिंदा हमेशा जिंदा रहेगा, ये अकीदा है हमारा। बस मेरे अजीजों, मैंने जो आयत पढ़ी है वो यकीन तुम्हारे दिलों में आज डाल कर जाना चाहता हूं। कभी ये मत समझना कि हमारे उखड़ जाने के दिन आ गए, हमारे फना होने के दिन आ गए, हमारे खत्म होने के दिन आ गए। हाशा कल्ला बिल्ला तल्ला, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार याद का, तेरी रगों में रवा खून है चार याद का। और इसीलिए आज के हालात में रोजाना लोग गजा की खबरें देख रहे हैं, इजराइल की खबरें देख रहे हैं, फिलिस्तीन को उजड़ता हुआ देख रहे हैं, मस्जिद अक्सा की पामाली देखकर रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, नर्वस भी होते हैं। ये सब मुसलमान होने के तो हक है, ईमान जिसके पास है उसका दिल तो कर्ब से आज कराह तो रहा है, लेकिन साथ में मैं आपको ये कहूंगा कराहना अपनी जगह पर, दर्द अपनी जगह पर, मौला से मांगना अपनी जगह पर, लेकिन खबरदार खबरदार कभी उसकी रहमत से एक आना भी ना उम्मीद ना होना कि अल्लाह की मदद अब नहीं आने वाली है, अब सब उधर जाने वाला है, अब सब खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। एक तिनके से भी मौला पूरा महल खड़ा कर देता है अगर वो हिफाजत करने पर आए। मैं आपको बताता हूँ, बगदाद को ततारियों ने तबाह कर दिया था, इंसानों की खोपड़ियों से, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, दरियाए दजला का पानी पूरा मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था ततारियों ने, जहां से गुजरते घोड़े के टाप पूरे खूनों में होते थे, खून में डूब जाया करते। इन हालात में बगदाद में कहीं कोई मुसलमान चेहरा तक नजर नहीं आता था। वो बगदाद जो मरकज इल्म था, वो बगदाद जो मरकज हदीस था, वो बगदाद जो मरकज तफसीर था, उजड़ गया था, तबाह कर दिया गया था, ईंट से ईंट बजा दी गई, 300 साल 400 साल पुरानी लाइब्रेरियां आने वाहिद में जला दी गई, जला कर खाक कर दी गई हलाकू के जमाने में। अब मैं आपको बताता हूँ, ततारियों ने हमला तो किया था, लेकिन जानते हो आप इन तमाम हालात के हो जाने के बावजूद एक दिन ऐसा आया दरबार में, बादशाह अपने दरबारियों के साथ बैठा है, कुछ मुसलमान कैदियों को गिरफ्तार करके लाया गया है जो उलमा थे, हाथों में जंजीरें बंधी है, पीठ पर बांध करके उनको जमीन पर लिटाया गया है। हालात कंपेयर करके सोच लेना, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे,
आज मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी हालात खराब हुए हैं, लेकिन मौला करीम किस तरह से इस दीन को बचाता है। वो सारे दरबारियों मजाक उड़ा रहे हैं उलमा का, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई बचाने वाला नहीं, इनकी हथकड़ियां बदी हुई पीठ पर, लेकिन तुरफा उस पर ये मजीद तमाशा ये कि उस दरबार के गवर्नर ने, बादशाह ने एक जरखरीद ईसाई को खरीद करके लाया गया था, पैसे देकर के, नजराने की लालच देकर के, कि आना दरबार में मुसलमान कैदी है, इनके सामने इनके रसूल को गालियां देना, इनके रसूल को खूब गालियां बकना। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है इस बात में, फरमाते हैं बादशाह के हुक्म पर दरबार में आकर के वो ईसाई पादरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता, मजाक उड़ाता, गालियां देता, मुसलमान को कैदी थे, करते क्या करते, हथकड़ियां लगी है, कैद में है, दिल तो जलता है जब नबी पाक की शान में कोई गाली देता है, दिल कराहता है, लेकिन मेरे अजीजों जब दिल की कराह बढ़ जाती है तो होता क्या है, सुनो, बादशाह ने अपना कुत्ता पाल रखा था, उस कुत्ते को तो सोने की जंजीर से बांधा जाता था, महंगा कुत्ता, बादशाह का कुत्ता, जाहिर सी बात है लोग उसकी इज्जत भी करते थे, बंधा हुआ कुत्ता था, भौंकने लग गया ईसाई पादरी के ऊपर, ईसाई पादरी खामोश हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर गाली गलौज कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा, ये फिर खामोश हुआ, दो तीन बार इस तरह हुआ, ईसाई पादरी को लोगों ने कहा कि तेरे बयान करने पर कुत्ता भौंक क्यों रहा, बादशाह का कुत्ता है, हर किसी पे भौंकता नहीं है। उस पादरी ने कहा ये जानवर इसे क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये क्यों मुझ पर भौंकेगा। वो अपना बयान जैसी ही तीसरी मर्तबा जारी किया, जंजीर तोड़कर कुत्ता बाहर निकल आया, कुत्ता बाहर निकल कर आया और एक आने वाहिद में उस ईसाई पादरी के सीने पर ऐसा हमला किया कि चाक करके उसको दो टुकड़ों में बदल दिया, और दरबार में मौजूद लोगों पर ऐसी हैबत तारी थी, मुस्तफा की शान में गालियां देने वाले को कुत्ता फाड़ कर रख दिया, और उस कुत्ते की हैबत को देखकर एक दो नहीं हजारों दरबारियों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अस्मत मुस्तफा, वो कुत्तों से भी करेगा। मेरे अजीजों, दुनिया आज ताकत के नशे में चूर होकर ये फैसले कर बैठती है कि हम सब तबाह कर लेंगे, लेकिन साथ में मैं एक बात आपको बताऊंगा, तुम नर्वस ना होना, मायूस ना होना, चाहे तुम्हारे हालात जैसे भी सख्त आ जाए, अपने ईमान पर कायम रहो, ईमान पर जमे रहो। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, आप लोगों ने कहा है कि नहीं कहा, सबका अकीदा हमारा रब, हमारा रब, कुरान कहता है थुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, क्या होता है उनके साथ, रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्तों को उतारता है, फरिश्ते उतारे जाते हैं, तो क्या कहते हैं फरिश्ते, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, अल्लाह ने जिस जन्नत का तुम्हें वादा किया है वो अनकरीब तुम्हें दी जाएगी। ये ईमान वालों के लिए है, फरिश्ते उतारे जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामे वक़ार, बाज़ पाखंडियां फिर से बाहर निकल आएंगे इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए, दीन इस्लाम के इन हालात को देखकर उनके दिलों के अंदर अब सांप लौट रहा होगा, खुशियों के और जश्न मनाने के कीड़े काट रहे होंगे कि तब गजा में निहत्ते बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां की औरतों के आंचल छीने जा रहे हैं, वहां के घर आग में बदल दिए जा रहे हैं, राख के ढेर में बदल दिया गया। ये दुनिया गूंगी दुनिया, ये चापलूस किस्म के मीडिया दज्जाल जिन्होंने पूरी हकीकत को बातिल बना दिया और बातिल को हकीकत बनाकर आज लोगों में प्रचार कर रहे हैं, छोटे से टुकड़े के लिए लड़ने वाले आतंकवादी हो गए और बड़ा बड़ा पेट्रोल मिसाइल रखने वाला अपने डिफेंस की लड़ाई लड़ रहा है, अपने डिफेंस की लड़ाई लड़ रहा है। तुम आज कान खोल करके सुनो मेरे अजीज, आंख फाड़ फाड़ करके देखो,
दुनिया दज्जाल के इंतजार में ये मैदान सजा रही, क्योंकि फरमाया गया दज्जाल के आने से पहले ये हालात पैदा किए जाएंगे, हक को बातिल बनाकर और बातिल को हक बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाएगा, लोग उसको मानने भी लग जाएंगे। खबरदार मोमिनों, तुम कभी इन झूठों पर यकीन ना करना, कभी यकीन ना करना, इनकी हिम्मत नहीं है। ना ये कभी रशिया को टेररिस्ट कह सकते हैं, ना यूक्रेन को टेररिस्ट कह सकते हैं, वहां तो वार कहेंगे, जंग कहेंगे, बैटल कहेंगे, लेकिन यहाँ चंद मुट्ठी भर मुसलमानों को मारते हैं और उन्हें शहीद कर दिया जाता है। तो दुनिया इसको अलग ढंग से कहती है, वो अपने डिफेंस में लड़ रहे हैं, अपने डिफेंस में लड़ रहे हैं। कितना डिफेंस में, कितने घरों को तबाह कर दिया गया मेरे अजीजों, ये सब हालात अपनी जगह पर, मगर मैं आपसे कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये ना समझ काफिर रोज क्यों उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इन्हें क्या पता है, ये ना समझ काफिर रोज क्यों उलझते हैं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जो हुसैनी होगा वो इन हालात से भागकर अपने दीन की और अपने ईमान की समझौते में जिंदगी गुजारने की कभी कोशिश ना करेगा, कभी कोशिश ना करेगा, बल्कि अपना अकीदा और अपना मसलक ये बनाओ, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये चिंगारियां हमारे पास भी आने वाली, जो आग तुम बहुत दूर बैठकर देख रहे हो आज, इस आग की चिंगारियां बहुत करीब है, जो आने वाली है। लेकिन मेरे अजीजों, इससे बड़ी आग आए झुलसाने वाली, लेकिन तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए, हजारों ताकतें तुम्हारे पास, खुदाए कदीर जब्बार हमारे साथ, खुदाए कदीर जब्बार हमारे साथ। आपको पता है जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर रहे थे, मक्का से निकले मदीने जाने का है, लेकिन जाने से पहले गारे सौर 3 दिन तक कायम किया। ये गारे सौर का है एक ऊंचा पहाड़, 5,000 फीट ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर एक खाल है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। पूरा वाकया आपको मालूम होगा, बार बार आप उलमा से सुनते होंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में पूरे मक्का के लालची लोग घूम रहे थे। ऐलान हो चुका था जो इन 2 लोगों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊंट का मतलब 100 कारें इस जमाने की, जिसको भी मिल जाए बड़ा मालदार आदमी। 100 ऊंट के लालच में लोग दर दर घूम रहे थे, यहाँ तक के कुफारे मक्का कदमों के निशान देखते देखते हारे सौर के करीब भी आ गए, पहाड़ पर भी चढ़ गए। हजरत अबू बकर कहते इतना करीब वो आ गए कि अगर वो एड़ियों को उठाते तो हम उन्हें नजर आ जाते, वहां तक पहुंच गए थे गार तक। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ गार में तनहा है। और मेरे अजीजों, ये सिर्फ किताबों का नहीं कुरान का वाकया है। 10वें पारे में रब्बा ताला फरमाता है ये आखरत अल्लज़ीन कफरु ثانيتين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا। याद करो उस वक्त जब काफिरों से निकल करके मेरे आका तशरीफ लाए थे, हबीब तशरीफ लाए थे और गार में मौजूद थे। अल्लाह ने कुरान में भी इसको बयान फरमाया। हजरत अबू बकर हुजूर से क्या कहते हैं, तवज्जो, कुफार आ गए, एड़ियां उठाते तो हुजूर भी दिख जाते, सिद्दीक अकबर भी दिख जाते। उस वक्त डरकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घबराहट में यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या होगा, ये सारी जमात आ गई हमारा पीछा करते हुए, ये कत्ल का मंसूबा बनाए हुए है। तब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इत्मीनान काबिले दीद था, हुजूर का इत्मीनान काबिले दीद था। सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी मेरे अजीजों बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकालने के लिए इतना जुमला काफी है। घबरा मत, ला तहज़न
इल्लल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अज़ीज़ गिरामी वक़ार, आज मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह हमारे साथ है का अकीदा क्या सिर्फ 1400 साल पहले वालों के लिए था या फिर आज के लिए भी है? हमारे साथ अल्लाह है या नहीं? अगर तुम्हारा ये अकीदा नहीं है तो फिर किसके नाम पर सजदे करते हो, किसके नाम पर मस्जिदों में दौड़े दौड़े भागते हो? तुम्हारा अकीदा है अल्लाह हमारे साथ है। और मेरे अजीजों, सब कुछ दुनिया ही नहीं, सब कुछ ये दुनिया ही नहीं, जो बड़ी बड़ी ताकतों वाले हैं वो भी अपनी जिंदगी के ऐश गुजार करके निकलने वाले हैं, वो भी आखिरत के सफर पर जाएंगे, हम भी जाएंगे। असल तो जिंदगी उस वक्त शुरू होगी जब मैदान महशर में हम खड़े होंगे अपने नबी के साथ। उस वक्त देखना होगा अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो वक्त आएगा, सब कुछ दुनिया नहीं, ताकत के बल बोलते हमारी गर्दनों पर कोई कुर्सी बिछा भी लिया कितने साल बिछाएगा, कितने साल हुकूमत करेगा, एक दिन तो उसे भी खत्म होना है। जब नमरूद नहीं बचा, फिरौन नहीं बचा, कारून को उसकी दौलत न बचा सकी, शताब को उसकी बनाई हुई जन्नत न बचा सकी, हामान नहीं बच सका, बड़े बड़े ताकतवर नहीं बच सके, अरे चंगेज भी हलाक हो गया, हालातू भी बर्बाद हो गया, तो 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों को जाने में देर नहीं लगी। इतने बड़ी बड़ी ताकतें जो ये सोचती थी हमेशा कि सब कुछ हमारा है। आपको पता है चंगेज के जमाने में, चंगेज एक नाम तारीख में सर्च करके देख लेना, लेकिन उसकी कब्र आज तक पता नहीं कहा है। और रौब दबदबा ऐसा कि जिस तरफ से गुजर जाए अपनी लाखों की फौज से कौम को, बस्तियों को रौंदते हुए, तबाह करते हुए चले जाए। तनहा वो एक आदमी है जिसकी हुकूमत में 50 लाख इंसानों का कत्ल हुआ, इतना बड़ा कातिल 50 लाख इंसान कोई माने नहीं रखते, बल्कि वो ये कहता कि इंसान का खून ना देखो तो मैं खाना नहीं खाता। जो इंसानों के खून का ऐसा लालच, आपको पता है उसका आखिरी वक्त था ये, लेकिन कैसा बना आखिरी वक्त? तकरीबन 300 के करीब मुसलमान गिरफ्तार करके लाए गए थे और उनको मैदान में खड़ा किया गया था। ये सब हालात में आपको क्यों बता रहा हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाएं। सफों में खड़ा कर दिया गया था, 3 सफे लगी थी और ये घोड़े पर बैठकर मंजर देख रहा था जल्लाद को बुलाया। ये घोड़े पर बैठकर के खिलौने से खेलता था चंगेज, और जल्लाद को खड़ा किया गया, कहा गया पहली सबसे गर्दने उड़ाना शुरू करो, गर्दने पहली सबसे उड़ाना शुरू करो। जल्लाद हुक्म की तामील करते हुए गर्दने मार रहा था, पहली सब में एक बूढ़े मियां खड़े थे, वो जल्दी से दूसरी सब में चले गए। जो पहली सब में खड़े थे कट रहे थे, दूसरी सब में खड़े हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, चंगेज देख रहा था, पहली सब पूरी कट गई, सब कतल हो गए, दूसरी सब को काटने का हुक्म दिया चंगेज ने। जब जल्लाद दूसरी सब के कतल करना शुरू किया, वह बूढ़े मियां दौड़कर तीसरी सब में चले गए, थी तो तीसरी लास्ट, दूसरी सब की गर्दनें पूरी काट दी गई, बची आखिरी सब। चंगेज अपने खिलौने से खेलते हुए, हंसते हुए उस बूढ़े मियां से कहने लगा, मियां पहली से दूसरी में आ गए, दूसरी से तीसरी में, अब कौन बचाएगा? बूढ़े मियां ने कहा, अब भी अल्लाह है, अब भी अल्लाह है, ये नहीं है कि पीछे मेरी कोई सफ नहीं है तो खुदा भी नहीं है, खुदा है। बूढ़े मियां ने इतने गरज करके कहा था, तीसरी सब को अभी कत्ल करने का ऑर्डर दिया नहीं गया था, अचानक चंगेज के हाथ से खिलौना गिर गया, घोड़े पर बैठा हुआ अजीम कसीफी है, खिलौना उठाने के लिए नीचे झुका, घोड़ा बिदक गया, सरकश हो गया, और घोड़ा इसी तरह लेकर चंगेज को दौड़ता रहा, उसको संभलने का मौका नहीं मिला। घोड़ा इतना दौड़ता था कि इस बादशाह का सर
पत्थरों से टकराता चला जाता और सारी फौज जो पीछे खड़ी थी जल्लाद समेत अपने बादशाह को बचाने के लिए घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ते रहे। घोड़ा किसी के हाथ नहीं आ रहा है। दौड़ता दौड़ता टकराता कई जगह से गुजरता हुआ एक दीवार के पास जाकर जब रुका उस वक्त रुका घोड़ा जबकि बादशाह का सर फटकर भेजा बाहर आ चुका था और उस वक्त सारे लोग अचानक एक मातम में थे। बादशाह का सर फट गया। चंगेज जैसा सबसे बड़ा बर्बर जालिम हुक्मरान दुनिया से जा रहा है। कोहराम मचाता सारे लोग उसको देखने में मसरूफ थे। बूढ़े मियां जो तीसरी सफ में थे अपने हाथों को उठाते हुए कहते हैं मौला तू सच फरमाया जब बंदा दिल से मुझे पुकारे मैं उसके साथ। मेरे अजीज अल्लाह है ये कभी मत समझना कि आखिरी वक्त आ गया कुछ नहीं होना है। वो रब ताला चाहे तो तुम्हें फंदे से भी साफ निकाल ले। वो रब तबारक व ताला अगर लिख चुका है एक बात याद रखो अगर हमारी बात लिख दी गई है मच्छर से भी आ सकती है चूटी से भी आ सकती है और अगर नहीं लिखी है तो मोदी से भी नहीं योगी से भी नहीं आएगी। किसी ताकत से नहीं आएगी। किस बात का खौफ दिल में समाये हो किस बात का दर्द समाये हो अगर क्यों ना मरे जब मरना ही है मेरे आका के इश्क में क्यों ना जाए। आ जाओ आज भी अगर गिरफ्तार करना है कर लो हमारा तो मानना ये है ढूंढा ही करेंगे सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभानल्लाह सुभानल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बात आज यही है मेरे अजीज दुनिया आज तक ही कहती थी 57 मुल्क आजाद है फिलिस्तीन कैद में है ना यही सुनते आ रहे थे फिलिस्तीन कैद में है 57 मुल्क इस्लामी आजाद है मगर बदल गया है हाल 57 मुल्क कैद में है एक ही आजाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सब कैदी है माल के पुजारी जिनके यहां खुलूस नहीं सिर्फ फुलूस जो अपनी कुर्सियों के लिए यहूदियों की जुबान अपने मुंह में रखते हैं कभी भी तुम बड़े बड़े ये व्हाइट कलर के जुब्बे कुब्बों में आने वाले शेखों को मत देखना कि इस्लाम इनसे चल रहा है। ये डाकुओं की सरजमीन है डाकुओं की फौज है। मेरे मुस्तफा की सरजमीन पर आज अरब को अगर इन डाकुओं ने कब्जा कर रखा है इनसे कोई तवक्को नहीं कोई उम्मीद नहीं। ये कुफार और मुशरिकीन के बच्चों पर रोएंगे लेकिन एक मुसलमान की आह और कराह इनकी नींद को खराब कभी नहीं करती। इनके माल दौलत घोड़े खरीदने के लिए कुत्ते खरीदने के लिए इनके पैसे इनकी दौलत इन अरबों की राज इनकी अय्याशियां ये दुनिया में ऐश कदे बनाने के लिए सारी दुनिया आए और अय्याशी करे। आज हालात ये हो गए वही अरब ममालिक है जो मरकज इस्लाम कहलाए जाते थे लेकिन आज इन लोगों ने खुलेआम खिंजीर का गोश्त बेचना शुरू किया है। आज शराब तक सप्लाई करने लग गए आज सिना के अड्डे भी खोल चुके। इन लोगों से कोई तवक्को और उम्मीद नहीं। तुम्हारा चूहा अगर सफेद है तो ये जरूरी नहीं कि तुम मुसलमान भी हो। हम उसको मुसलमान कहते हैं जो बजायर फकीर भी क्यों ना हो फटे कपड़े भी रखता हो बाल परा गंदा भी क्यों ना हो लेकिन सीना धड़कता हो तो मेरे नबी के नाम पर धड़कता हो। इन जालिमों से वो काम ना हो सके जिनके पास बड़ी बड़ी ताकतें अरे पूरा पेट्रोल लेकर बैठे क्या पीकर मारेंगे सारी चीजें हैं इनके पास सोने के जखीरे पेट्रोल का जखीरा गैस का जखीरा पूरी दुनिया में पी पी कर मर जाओ लेकिन हमने देखा है ताकत किसे कहते हैं। अरे माजी करीब में हमारे पड़ोसी मुल्क में व्हील चेयर पर बैठकर पैरों से मजदूर था खादिम हुसैन जब ललकारता था तो यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आती थी। क्यों वजह क्या है वजह यह है
कि तख्त और ताज का नाम ताकत नहीं है, सिर्फ तंजीम और फौज का नाम ताकत नहीं है, हकीकत में ताकत इश्क मुस्तफा का नाम। बेशक बेशक। वो अगर तुम्हारे पास है तो बस काफी है। आज लोग हमसे ये कहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। मैं खुल करके बयान करता हूं, हमारी कोई खुफिया तंजीम नहीं, हमारी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अभी आप मौलाना से सुन रहे थे, मरकज़े नामों से रिसालत की तामीर, मैं बजाय कभी चंदा नहीं करता, मौलाना तो बहुत लंबा चौड़ा चंदा कर लिया। मेरा मिशन नहीं है, एक नौजवान खड़ा होता है मेरा सबसे बड़ा चंदा, सबसे बड़ा है। और वह ऐसा नौजवान जो अपने हवस के लिए नहीं जीता, मेरे नबी की नामूस के लिए जीता। जिंदगी वसूल हो गई, हमारी तकरीर भी वसूल, जलसा भी वसूल। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। आपके अर्दिल अजीज मौलाना साहब ने चंदा क्या हो सकता है, संदान पूरा मिलकर 2 करोड़ जमा कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं 2 करोड़ एक तरफ, लेकिन 2 नौजवान मेरे आका की सुन्नत चेहरे पर ले आए तो ये 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा चंदा है। क्या वो चंदा आप मुझे देने को तैयार हैं? बस हुजूर के लिए तुम्हारा सीना धड़कने लग जाए और ये कहना शुरू कर दो आज से, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, ये हमारा मसलक बन जाए। मैं आपको कह रहा था इन्वेस्टिगेशन करते करते छोटी सी चीजों के बारे में, मेरी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं, खुफिया मीटिंग नहीं। हम मरकज बना रहे थे तो सुनने में आया कि हमारे चाहने वालों ने फिर इन सबको वर्गला करके टीम बनाई और ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन तक बातें ये पहुंचाई गई कि मौलाना यहाँ पर मरकज जो बना रहे हैं इसमें एक अंडरग्राउंड सुरंग बनाएंगे जहां जिहाद की तरबियत देंगे। अभी से ये सारे शोशे छोड़े जा रहे हैं कि यहां पर ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। मेरे अजीजों, उनको मैं आज संजान के इस मैदान से पैगाम देता हूं, जो मुझे सिखाना होगा सुरंग में नहीं खुले मैदान में सिखाऊंगा। वो मुझसे पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन करना हो तो आप मुझसे इतना पूछते हो, क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, रोज जलसे, रोज पब्लिक, रोज भीड़, आप कौन सी तंजीम बनाना चाहते हैं? सुन लो, हमारा मिशन वो नहीं है जो दोपहर में हरा झंडा, लाल झंडा शाम में और फिर नीला झंडा सुबह, वो तंजीम हम नहीं बना रहे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जहां से मुसलमान गुजरे, दूर बैठे हुए आदमी को ये कहने पर मुसलमान मजबूर करे, देखने वाला ये कहे कि यहां संजान की नहीं मदीने की खुशबू आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस मिशन पर काम कर रहा हूं, मैं इस मिशन पर काम कर रहा हूं, तुम खामखा क्यों डरे हुए हो मेरे अजीज, खामखा हमारे पीछे क्यों पड़े हो? पूरा बार बार ढूंढ लेना, हमारे पास ब्लेड भी नहीं मिलता। हम तलवार चाकू छुरी बंदूक बारूद की बात भी नहीं करते, मैं तो मेरा ब्लेड भी नहीं रखते। अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रखते हैं तो हमको लगता है, बार बार नौजवानों से भी मैं कहता हूं, उतनी उसकी भी जरूरत नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं। मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा हूं, एक हथियार इश्क रसूल का ऐसा है, ऐसा है जो 313 निहत्ते सहाबा मदीने से लेकर चले थे। वो कौन सा हथियार था आपको पता है? उनके पास कुल साहबा के पास तलवारें भी नहीं थी। एक साहबी कहते हजरत उकाशा, मेरे पास लकड़ी थी घर, हुजूर के पास दिया, हुजूर ने उसको मसा करके दिया, जाओ ले जाओ इससे लड़ो। हजरत उकाशा कहते उसी लकड़ी से मैंने इतना लड़ा कि कितनों को तो जहन्नम पहुंचा। और एक बार नहीं, हमेशा उनके पास रही, जब तक वो जिंदा रहे वो लकड़ी रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ नजर कर ले
आशिक रसूल की जिंदगी ऐसी होती है। मैं आपसे कहता हूं मेरा मिशन ये है, हम तलवारों हथियारों बारूद बंदूक की बात नहीं कर रहे, बस तुम अपने सीने को इतना भर लो मेरे नबी की मोहब्बत से कि तुम्हारे चलते फिरते कई कीड़े वैसी गटर नालियों में चले जाए, तुम्हारा चलना फिरना भी बहुतों को ऐसी फना कर देगा, बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफात होने, कि मोहम्मद से वफात होने। जब नबी की बात करते हो तो उसकी सुन्नतों की भी बात करो, जब उस नबी का नाम लेते हो अपने घरों में भी उस नबी का दीन पसंद करो। ये नहीं कि अपनी औरतों पर इस्लाम पसंद नहीं करते लोग, इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद नारे लगाने के लिए तुम अपने बेटे बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं कहते, ये खुले आम बेपर्दा बच्चियां जो घूमती हैं उनको पकड़कर क्यों नहीं कहते कि इस्लाम जिंदाबाद। शादियों में देखो इनकी आवारगियां क्यों ऐसा है, तो फिर दुगली पॉलिसी पर अमल मत करो जैसे दुनिया की मक्कार मुनाफिक जमाते करती हैं। तुम ईमान वाले हो, नबी की मोहब्बत का दावा करते हो, तो बेखौफ होकर उसकी सुन्नतों पर अमल करो। ऐ नौजवान क्या तुम्हें डर लगता है कि टोपी पहनेंगे तो पता नहीं क्या बोले, दाढ़ी रखेंगे तो पता नहीं क्या बोले, हाँ ये इस खौफ में जीते रहते हो पता नहीं क्या बोलेंगे पता नहीं क्या बोले, लोग सिर्फ इन्ना लिखा बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, मरने के बाद इतना ही है। तुम ये सोचते हो कि दाढ़ी रखेंगे तो हमको कहीं आतंकवादी ना कह दे टेररिस्ट ना कह दे, मैं आपसे कहता हूं कितने बुजदिल हो गए हो, दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तुमको दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आ, लोगों को नंगा घूमने में शर्म नहीं आती तो मेरे नबी के लिबास में चलने में क्यों शर्म करते हो, तुम खुद अपने हाथों से जब छोड़ोगे मेरे नबी के दीन को तो दुनिया तो बहुत दूर ले जाएगी बहुत दूर ले जाएगी। इसीलिए शायर ने कहा था दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। आज हालात वही है, हमारा ये मकान हमारा अपना मजहब हम अपने हाथों छोड़ने लग गए तो सब इसके ऊपर चलने फिरने लग गए, ट्रायल बना लिया इसको लोगों ने, हर एक का निशान आज यही बन गया। लेकिन ऐ नौजवान अभी उम्मीद मेरी बाकी है और अपनी कौम के मुताबिक मैंने देखा, इसीलिए सबसे पहले मैंने तकरीर में यही जुमले से शुरुआत की, मैं तकरीबन 6 महीने में 150 जगह जाकर आ चुका हूं, तकरीबन इन सब जगह पर नौजवानों का एक ही जज्बा देखा। कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं हुआ जिस जलसे में मेरे आका के नाम पर बच्चों ने लब्बैक या रसूल अल्लाह ना कहा, हर जगह से ये आवाज आ रही, चाहे बंगाल हो उड़ीसा हो बिहार हो गुजरात हो कश्मीर हो कर्नाटक हो आंध्रा हो गुजरात हो महाराष्ट्र हो कहीं पर भी हो। इसीलिए मैंने कहा सबका DNA हुजूर के नाम पर एक ही है, चाहे शुमाल में जाओ जुनूब में जाओ मशरिक में जाओ मगरिब में जाओ, मेरे नबी के नाम की अजमत सबके दिलों में एक तरह से है। बस इतनी सी बात है, बेअमल हो गए हैं गुनहगार तो हो गए, मुस्तफा का सरदार कोई नहीं। मैंने एक जलसे में ये बात कही भी थी, मैं अक्सर ये कहता था कि इन पार्टियों के ये जलसे नहीं है जो 500 और 100 रुपये दे करके तुम्हें जमा करते हो, मैं अक्सर ये कहता हूं हमारे जलसे तो 12 बजे के बाद गर्म दिखते हैं, यहां गर्मी 12 बजे के बाद आती है। तो एक गैर मुस्लिम साहब है वो पीए किसी बड़े नेता साहब के, उन्होंने मुझे टॉन्ट मारा, कहा कि मौलाना तुम्हारी कौम ज्यादा करती है, दोपहर में किसी पार्टी का झंडा लेकर जाती है, शाम में किसी पार्टी का, जब इलेक्शन आते और फिर रात में किसी और पार्टी का पट्टा लेकर गए, आपकी कौम ज्यादा करती है और आप ही बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ करते होंगे, इधर से भी 500 लेते होंगे उधर से भी लेते होंगे इधर से भी लेते होंगे, और इनके पास कंपैरिजन का कुछ मसला नहीं है, सब बराबर दिखते हैं इसलिए सब जगह जाते हैं, सब एक ही शक्ल के दिखते हैं जाते होंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी कौम का कोई परहेजगार आलिमे दीन नहीं, बड़ा मुत्तकी नहीं, आम चलता फिरता नौजवान मेरे सामने ले आओ, यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीज आज आम नौजवान लेकर के आओ। साहेब एक तरफ आपके पास 10 करोड़ रुपए हो रख देना सामने,
500 के लिए झंडे बदलता है, आप मुझे कह रहे ना 10 करोड़ रख देना, एक तरफ 10 करोड़ रखो और दूसरी तरफ से गुंबद खजरा की तस्वीर रखो और उससे कहो ये लेता है या ये लेता है। मैं अभी से कहता हूं मेरी कौम का बच्चा तेरे 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और। अरे बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, labbaik ya rasul allah labbaik 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 ya rasul allah labbaik labbaik mere azizo bas tumhare dilon mein ye garmi aa jaye ki hamari dhadkane kiske naam par hai, mere nabi ke naam par, us rasool ke naam par hai। aur sabse badi baat ye hai अल्हम्दुलिल्लाह उस जलसे में बैठे हैं हम, उस जलसे में बैठे हैं जहां हर चेहरा ये यकीन रखता है मेरा नबी मुर्दा नहीं तो जिंदा है, वल्लाह यकीदा है कि नहीं सबका। हाँ हम जिंदा रसूल के मानने वाली जिंदा कौम है, फिर हमारा रिश्ता तो और मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए और मदद आएगी, जरूर आएगी। बल्कि हम अक्सर ये देखे हैं जब दिल बेकरार होते हैं तो मदीने के ताजदार आते हैं, वो दिलों को तसल्ली देने के लिए आते हैं। कुरान कहता अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, ये रसूल ऐसे हैं तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उनको गवारा नहीं। हाँ कुछ इम्तिहान के दौर होते हैं, कुछ इम्तिहान के दौर होते हैं, वो दौर से जब गुजर जाए तो खुशहालियां आती हैं। मेरे अजीज़ो खुदा एक कानून है, चांद कैसा होता है, सफेद होता है ना, चमकदार होता है, लेकिन उस पर भी कभी गहन लगता है, गहन लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांद काला हो गया, गहन जब छट जाता है तो चांद फिर आबोताब के साथ चमकता है। आज उम्मत मुस्लिमा की इन जमातों पर गहन लगा होगा, इम्तिहान के दौर से गुजर रही है, और जब ये गहन छटेगा फिर यही जमात हर जगह नजर आएगी, हर जगह नजर आएगी। आप क्या ये नहीं समझते दुनिया तुम्हें भोंक भोंक कर ये बता रही है तुम कुछ हो, देखते नहीं न्यूज कोई भी खोल लो वो तुम्हारा तारुफ करवाएंगे। हाँ उनका नहीं, वो तुम्हारी तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी हैसियत, जो भी न्यूज चैनल खोलो वो बड़ा चढ़ा कर तुम्हारी दाढ़ियों को बता रहे हो, तुम्हारी टोपियां, हमारी बच्चियों के बुरके, मस्जिदों के मीनार गुंबद, यही सब चीजें हैं इनके पास। अरे जो बिखरी हुई कौम है इसको 24 घंटे क्यों डिस्कस करते हो, ये तुम ही कहते हो बैकवर्ड है, दलित समाज से भी नीचे आ गई है मुसलमान जमात, जब इतनी नीचे आ गई तो तुम्हारे मीडिया में इतनी ऊपर क्यों है, हर जगह हम ही अब क्यों है। समझ में आता है जिसको इकबाल ने कहा कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं तुम खुद भूले हो कि तुम क्या हो, तुम्हें खुद पता नहीं तुम क्या हो। इन दज्जालों से सुनो, तुम्हें बार बार बताते हैं बड़ी दौलत तुम्हारे पास, बड़ी दौलत तुम्हारे पास, तुम कहते हो नहीं कुछ नहीं मेरे पास, वो कहते नहीं है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो तुम्हें समझ लेना चाहिए आज भी जो दुनिया को हम निशाने पर नजर आते हैं वो दौलत कोई पैसों की नहीं, कोई पेट्रोल की नहीं, कोई गैस की नहीं, दुनिया जिस दौलत के मुतालिक हमसे खफा है या खौफ सदा है उसे विश्व के रसूल की दौलत, वो मेरे मुस्तफा के लिए धड़कने वाला दिल है, उन्हें पता है जिस दिन ये बेकरार हो जाता है दुनिया की नींदें हराम करता है। इसलिए इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेज भी इसी बात से डरते थे और अंग्रेज ये कहते थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो।
ये अंग्रेजों की जुबान है, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, पूरी दुनिया में हमारा नाम इसीलिए मशहूर है कि मौत से डरते नहीं, मौत से डरते नहीं। वजह क्या है? इसलिए कि तुम्हारे नजदीक मौत हादसा है, हमारे नजदीक मौत तोहफा है। तुम मरते हो तो डरते हो कि अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। हमारा ये मसलक नहीं, हमारे मरने का तरीका ये है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें पहले से बताया है, हमको पता है। जब जनाजे जाते हैं फूलों से सजे हुए, कफन में लिपटे हुए, उन पर खुशबू लगी हुई, किसी बाबा जी से पूछा गया था ये दूल्हे की तरह मुर्दे को क्यों सजाया जाता है, इसकी कोई शादी थोड़ी ना है, मर गया फिर भी सजाया जाता है। बूढ़े मियां ने कहा था बेटा आज वो अपने नबी के दीदार के लिए जा रहा है। मेरे अजीजों, इसीलिए हमने देखा है दुनिया जिस बात से खौफजदा है वो यही कहती है ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। दुनिया में सबसे बड़ी सजा मौत है और ये मौत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। क्यों? मैं सब मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, उस मुसलमान की जिसका ये कहना है कि इधर आंखें बंद होगी उधर मेरे मुस्तफा का दीदार, जिसको ये यकीन है अपने नबी से मुलाकात की, अपने रब से मिलने की, उसके लिए मैं बात कह रहा हूं। दुनिया हेज है, दुनिया कोई चीज नहीं। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी पर मुरादाबाद ने चढ़ाया था अंग्रेजों, और उस वक्त जानते हो 7 दिन तक उनके जिस्म पर स्त्री फेरते थे अंग्रेज, एक आलिम रुपन, और जब चमड़ी जल जाती थी तो रात को उस पर नमक छिड़कते थे। 7 दिन तक इस मुसीबत ज़दा जिंदगी से वो जूझ रहे थे। और उसके बाद अंग्रेजों ने पूछा कि आप अब भी चाहो तो अपनी तकरीरें बदल दो, अपना ये मिशन चेंज कर दो, हम अपनी हुकूमत में कोई मनसब दे देंगे। किफायत अली काफी ने कहा था अंग्रेजों से तुमने मुझे बड़ा सस्ता सौदा समझ लिया, 7 दिन जलाकर ये सोचते हो कि मेरे दीन को खरीद लो, हर किस नहीं कहा तो फिर चलो फांसी पर चढ़ने के लिए। वो मुस्कुराते हुए चले, पेशानी पर शिकन तक नहीं, मजमा देखता रहा और वो फांसी के फंदे पर जा रहे थे। दुनिया जब भी किसी को चढ़ाती है फांसी पर तो कानून यह पूछा जाता है कोई आखिरी ख्वाहिश है, बीवी बच्चे किसी से मिलना है, कुछ खाना है। उसूल के मुताबिक इस आलिम रब्बानी से भी पूछा गया था आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, दुनिया के लिए मरने वाला कहता बीवी से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, कुछ वसीयत कर जाओ। लेकिन आलिम रब्बानी फांसी के फंदे पर झूलने से पहले कहता है हाँ है एक आखिरी ख्वाहिश के नाते मुस्तफा पढ़ लूं, और फिर कहना शुरू किया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, सब पना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। जहां तुम्हारे भाई का खून नालियों में बहाया जा रहा है और तुम हाथों में ताश के पत्ते लेकर बैठे हो, उन गरीब बेचारों के यहां पानी का कतरा हलक में नहीं जा रहा, लेकिन कोई नौजवान यहां नशा के और शराब के कतरे अपने जबान पर लगाता है, किस कदर बेहिस है वो आदमी, किस कदर बेहिस है। क्या आज भी तुम्हारे बदलने का वक्त नहीं है? आपको पता है 2 महीने के 4 महीने के बच्चों को गोद में मारा जाता है, उनका खून उछल जाता है माओं के सीनों पर, उनके चेहरों पर। बड़े जियाले लोग हैं, उनके तरह का सबर तहम्मुल शायद ही दुनिया में अभी किसी के पास हो, जो रोज नाश्ते के बजाय किसी का कटा हुआ सर देखते हैं रोजाना, जिनके हाँ खाने के लिए गोश्त कम इंसानों के गोश्त ज्यादा देखते हैं, जो कई कई महीनों तक जख्मों से पीड़ित होकर उनके जिस्म आंवले पड़ जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, दवाई का एक टुकड़ा नहीं मिलता। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हमारी अय्याशियां अभी भी खत्म नहीं होंगी? क्या हमारी जिंदगी के तौर तरीके अभी नहीं बदलेंगे? अगर हसास दिल रखते हो
जिंदा दिल रखते हो तो तुम्हारी रातें बेचैन हो जानी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बेकरार हो जानी चाहिए। हमारे लुक में कैसे जाते हैं, एक तरफ तूफान बदतमीजी मेरे नबी की शान में गालियां, एक तरफ इस्लाम को निशाना, एक तरफ कुरान को बदलने की बात, और एक तरफ निहत्ते बच्चों को बम बारूद से उड़ा कर चित्रों में बदल देना। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नचाते नजते खाबे गिराम बदलना। गलत रवि से मुनाजिल का बौध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। ये रोज के हंगामे तुम्हें उठा रहे हैं, तुम्हें बेदार कर रहे हैं, कब बदलोगे अपने आप, कब बदलोगे? ये मस्जिद रोजाना सुबह तुम्हें पुकारती आ जाओ बिस्तरों से उठकर, अल्लाह की मदद यहाँ है, अल्लाह की मदद यहाँ है। लेकिन तुम भागे भागे फिरते हो मस्जिदों से, तुम बाजारों की जीनत तो बन जाते हो मस्जिदों की सफों की नहीं। तुम अपने रब पर यकीन तो रखते हो लेकिन उसके सामने झुकते क्यों नहीं? आपको पता है वक्त अगर ऐसा आ गया जिंदगी में तुम्हारे, मैंने एक कैंसर पेशेंट को देखा, इयादत करने गया था, उसके सर के पीछे फोड़ी, और कैंसर का ये फोड़ा हमेशा खून और पी परसता रहता है, सर उठा नहीं सकता। इयादत करने के वक्त अधेड़ उम्र मर्द ने सिर्फ मुझसे इतना कहा था रोते हुए, मुफ्ती साहब इतनी दुआ कर दीजिए, बचपन से सोचता था नमाज पढ़ने की पढ़ नहीं सका था, लेकिन अभी रोज ख्वाहिश होती है एक सजदा कर लूं, लेकिन सर उठा नहीं सकता। अब ऐसा हो गया, सर उठाऊं तो ये पौड़ी फट जाए, सर उठाऊं तो खून और पीट निकलने लग जाए, सजदा करने की ताकत नहीं। कहीं वो वक्त ना आ जाए तुम्हारे हाथ पैर बैंड हो जाए, तुम सजदों में भी ना जा सको, चाह करके भी मौला की इबादत नहीं कर सकोगे। इसीलिए अरब में कहा जाता है सल्लू क़ब्ल अन तुसल्लू, अपनी नमाजें पूरी कर लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाजें जनाजा पढ़ दी जाए। लोग तुम्हारी नमाज पढ़ देंगे, पहले अपनी नमाज पूरी कर लो। इसलिए मेरी बात सिर्फ इतनी है, ऐ अजीजों, हालात आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लोग आज कहते हैं माइनॉरिटी में है, किल्लत में है, आज ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैं इस फलसफे को नहीं मानता। बदर में भी हम माइनॉरिटी में थे, ओहद में भी माइनॉरिटी में थे, खंदक में भी, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में थी। हमारा तौर तरीका ये है, हम तादाद नहीं देखते, ईमान की ताकत देखते हैं। बादशाह शिहाबुद्दीन गौरी बहुत बड़ी फौज लेकर हिंदुस्तान आया था लेकिन फतह नहीं कर सका। गरीब नवाज आज फकीरों की जमात में आए थे और पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में नहला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज फकीरों की जमात आई थी जो अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करते हुए सामान्य जंग के साथ नहीं, गुदड़ी पहने आए थे, मेरे मुस्तफा का इश्क लेकर आए थे, मोहब्बतें लेकर आए थे। आज उस दौलत की तरफ आ जाओ, दुनिया फिर वापस आने को तैयार है। मौला करीम पूरी दुनिया की ताकतें हेज कर देगा, तुम्हारे वकार को बढ़ाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। उठो वो गर हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, और दहन में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और आखिर में उठने से पहले आप सबसे ये वादा लूंगा मेरे अजीजों, ये कहकर के उठना है आप जिएंगे अपनी मर्जी से नहीं, अपने हवस के पीछे नहीं भागना है, अपनी लालच से नहीं जीना है, बल्कि हमारे पास बकिया जो जिंदगी है, जितनी सांसें हैं, उस पर ये कहना है या रसूल अल्लाह, तहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां सबा वो चले के बाद फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान हम सब की जुबान, लबैक या रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
उनको बेवा होने से बचा ले, उनके बच्चों को यतीम होने से बचा ले। ऐ लाज़ालिम शैतान की आंखें तोड़ दे, ऐ करीम खुदा जालिमों को के पंजों को मोड़ दे, उनके तमाम मंसूबों को खाक में मिला दे। ऐ कदीर जब्बार खुदा पूरी दुनिया के उम्मत मुस्तफ़ा मुसलमानों की गैरत को बेदार कर दे, अल्लाह मुसलमानों की गैरत को बेदार कर दे, अल्लाह उनकी ईमान की गैरत को बेदार कर दे। ऐ कदीर जब्बार खुदा अहसन अल-खालिकीन मौला, तू वही खुदा है जो अबाबीलों को भेजा, तू वही खुदा है जो बदर में तेरे नबी के साथियों के लिए फरिश्ते उतारा, तू वही खुदा है जो फिरौन को पानी में ज़र्ब किया, तू वही खुदा है जो इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाया, तू वही खुदा है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। ऐ मालिक अल-मुल्क ज़ुल-जलाल वल-इकराम, तुझे तेरे जलाल और जबरूत की कसम, तुझे तेरे इज्जत की कसम, ग़ैब से मौला उन मज़लूम मोमिनीन की मदद नाज़िल फरमा। अल्लाह तू जिब्राइल अमीन के जरिए उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनको सिदरा के मकी के जरिए से मदद नाज़िल फरमा। ऐ कदीर जब्बार खुदा, अरे मैं कहा तो गिरा रहे हैं अंदर, हेलो आपने देख लिया होगा, मैं संजान किस वजह से आया था, क्यों आया था। तो वही गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ तकरीर का। तो वही ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।